तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अंदर जो आर्ट एंड क्राफ्ट का गैलरी, चलिए देखते हैं अंदर। ये मेरी बेटी छोटी श्रद्धा, ये बहुत खुश है। जाओ 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 अंदर जाओ। आर्ट एंड क्राफ्ट का गैलरी बंद, चलिए देखते हैं। अभी दौड़ के आ रही थी और मुझे यहाँ अंदर घुसते ही ये जो मूर्तियाँ रखा हुआ है उसको देख के डर के फिर मेरे गोदी में आ गई। ये पीतल का बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर सुंदर बना के रखे हैं। ये पीतल का युग जब चलता था उस टाइम का पीतल और तांबा का उत्कलमणि गोपबंधु का स्टैचू, ये भी ये महारानी विक्टोरिया का देख सकते हैं। और ये पीतल का जो तांबे का सामान यूज़ करते थे वही बर्तन वगैरह वही सब रखा हुआ है म्यूज़ियम में। और ये भी देखिए श्री कृष्ण भगवान माता जी के गोदी में है। ये भी डिज़ाइन कुछ डिजाइनिंग है पीतल तांबे का, सुंदर सुंदर बना के रखे, मतलब यहाँ वो चीज़ अभी सुरक्षित करके हिफाजत करके रखे हैं लोगों को जानकारी देने के लिए। तो देख सकते हैं कितना डिज़ाइन देखिए, ये फिश वगैरह भी है और मेंढक सांप सब कुछ मतलब यहाँ रखे हैं वो लोग, आप लोग देख सकते हैं। क्या कर रही हो? राजा महाराजा के ज़माने के ये सामान कलेक्शन करके रखे हैं। देखिए कितना सुंदर से डिज़ाइन करके उस टाइम बनाते थे। ये सब कलेक्शन डी राजप्रसाद से ये सब कलेक्शन करके रखे हैं भाई, देख सकते हैं ये तामर तांबे के हैं सब। तो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, इसीलिए ये पारलखी मुंडी से ये मयूर जैसा बना के रखे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। मतलब कहाँ से कलेक्शन किए हैं वो सब लिख के रखे हुए हैं, आप लोग आके देख सकते हैं। यहाँ सब सिंह से बना के सामान रखा हुआ है, जो सिंह से बनाते हैं। अभी भी ये जो डिज़ाइन वाले कारीगर लोग हैं, ये देखिए कितना सुंदर ये पुराना ज़माने के सब सामान बना के रखे हैं दोस्तों। ये राजा महाराजा के जो सिंहासन होता है वही यहाँ सुरक्षित करके रखे हैं। और ये जो पुराना ज़माने के महाराजा राजा महाराजा के सामान है यहाँ, ये देख सकते हैं जो बम्बू से बना के रखे हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन उस टाइम मतलब फैशन वाला सामान भी यूज़ करते। देखिए ये फैशन वाला जो वैनिटीज़ है वो भी है, तो ये सब जो पहले यूज़ करते थे वही सब मतलब हम लोग अभी ये देख सकते हैं कितना वो लोग डेवलप थे। ये सीसेल का है और सिंह से बना हुआ है, सिंह जीव जंतु के सिंह से बना हुआ है, ये देख सकते हैं उसको हॉर्न से सब घर सजाने के लिए उस टाइम सिंह से बनाते थे ना, राजा महाराजा के टाइम का है ये। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी ऐसा के कलाकारी वही आर्ट एंड क्राफ्ट देख रहे हैं हम लोग। अभी चलते हैं और कुछ देखने के लिए जाएंगे पटचित्र गैलरी के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ का कारीगर कैसे ये जो डिज़ाइन आर्ट करते हैं पटचित्र कहा जाता है वही यहाँ बना कर रखे हैं लोगों को जानकारी देने के लिए। ये ऑर्नामेंट गैलरी है,
ट्राइबल लोगों के चले थे। ये ट्राइबल लोग ये सब सामान यूज करते हैं अभी भी और करते थे, वही सब रखा हुआ है यहाँ दोस्तों। यहाँ हमारे उड़ीसा के जो उड़ीसी डांस होता है उसका तैयारी चल रहा है, और उड़ीसी जो डांस फेमस है दोस्तों, उड़ीसी डांस का ये जो गेटअप देख सकते, ऐसे ही गेटअप लेके उड़ीसी डांस करते हैं उड़ीसा में। ये आदिवासी लोग देखिए कैसे उन लोगों का रोज़ाना काम का जो चलता है, काम करते हैं, उनका कल्चर के बारे में यहाँ बना कर रखे हैं, देख सकते हैं। ये महुआ दारू शायद तक वो लोग जो पीते हैं, और बाजा और म्यूज़िक अपना जो हाथों से बना हुआ म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बजा के वो लोग डांस करते हैं, बहुत सुंदर से लोगों का काम चलता है दोस्तों। यहाँ जो रूपा का काम, मतलब जो सिल्वर का है, ये सब कटक में फेमस है, जो सिल्वर का काम होता है उड़ीसा का, तो वही सब यहाँ सैंपल बना के रखे हैं जो काम करते हैं कैसे यहाँ। फिर वो आदिवासी लोगों के कल्चर का एक एक विभाग करके समझाया गया है लोगों को, जानकारी देने के लिए सामान को ऐसे सजा के रखे हैं। ये देखिए राजा महाराजा के जो पालकी वो उस टाइम यूज़ करते थे शादी ब्याह का, तो वही यहाँ रखे हैं अभी सुरक्षित करके। लोग रखे हैं आदिवासी कल्चर लोग जो यूज़ करते थे वो अपना हाथों से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट, वही आप लोग देख सकते हैं। आदिवासी लोग के फिर वही कल्चर के बारे में यहाँ भी रखा हुआ है, सुबह उठ के क्या काम करते हैं, अपना रोज़ाना काम कैसे करते हैं, वही के उसके बारे में, मतलब यहाँ वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं जंगल में, वो सब बना के रखे हैं लोग को, ताकि लोगों को पता चले। और यहाँ वो भी म्यूज़िक वाला सामान है, देखिए उन लोग का काम धाम कैसा चलता है जंगल में, वो लोग कैसे सर्वाइव करके जीते हैं उसके बारे में ये सब जानकारी है। बच्चे रो रहे हैं और अपने काम में लगे हुए हैं सब, मतलब बहुत सुंदर से अच्छा डिज़ाइन से मतलब बना के रखे, मतलब इतना अच्छा लगता है पूछे मत। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो को यही एंड करता हूं, तो आने वाले वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आने वाले वीडियो में ही आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।